सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे बजीज में आई इन्फेक्शन की, या किसी भी बर्ड में आई इन्फेक्शन जो हो जाता है उनकी आँख ऐसे फूल सी जाती है, तो वो कैसे ठीक करें और कैसे उसको मतलब ट्रीटमेंट करें और क्या सावधानी रखें जिससे कि वो फैले ना। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जो हमारा पहला टॉपिक है, आप जैसे अगर बजीज की कॉलोनी बना कर रखे उसमें जाते हो तो उसके अंदर चप्पल वप्पल पहन के जाते हो तो उसके एक प्रॉपर अलग ही चप्पल रखें आप, बाहर के जो आप जाते हो वो ना करें यूज़, ठीक है। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है, किसी भी पेट हो, गाय हो, कोई भी हो, उसको छू के या कैसे मतलब उसके पास से आते हो तो आप डायरेक्ट बजीज के पास मत जाइए, कोई भी बर्ड्स के पास मत जाइए, उससे भी वो इन्फेक्शन फैल जाता है, ठीक है। तो अब इसको सही करने के लिए क्या करना है, अभी इन्फेक्शन जैसे फैल गया है तो ये ठंडियों में भी बहुत ज़्यादा फैलता है, ये कुछ मच्छर मक्खी इनकी वजह से काटने से फैलता है, क्योंकि हमें कॉलोनी में जैसे हमने मच्छर दानी नहीं लगा रखी और मच्छर नेट अपने बड़े वाली जाली लगा रखी हो तो उसमें से वो आराम से अंदर चले जाते हैं, वो मटकियों में बच्चों को भी काट दो तो ये बच्चों को भी हो सकता है और ये इन्फेक्शन आराम से ट्रांसफ़र हो जाता है एक बजीज को दूसरे बजीज में एक दिन के अंदर ही, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है। तो इसको सही करने के लिए अपन क्या करें, तो इसके लिए दो चीज़ तो मैं बाहर से ख़रीद के लाया हूँ क्योंकि मेरे पास थी नहीं, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ। ये सीप्लॉक्स डी करके है, सीप्लॉक्स डी, ये आपको ले लेना है, मात्र 16 रुपये की पड़ेगी, बहुत अच्छी है, 3 दिन में ठीक हो जाता है इसे। और ये सैनिटाइज कॉटन है, आपको ऐसे ना हो तो कोई सी साफ कॉटन यूज़ कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, पानी गर्म करना है और उसको ठंडा कर लेना है, नॉर्मल कर लेना है एकदम, और उससे फिर अपन को बजीज के पहले आँख धोनी पड़ेगी, तो वो मैं आपको करके बताता हूँ। क्योंकि तो अगर अपन जो जिससे अपन इंजेक्शन लगता है, जो सीरे जब बॉटल चढ़ती है अपन को, तो वो जो बॉटल होती है वो वाला पानी अपन को थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा, इससे अच्छा गर्म करके उसको आँख उससे वॉश करेंगे। तो चलिए करते हैं, मैं अभी आपको सिखाता हूँ। तो आपको कोई सा भी साफ सा कपड़ा ले लेना है, या टॉवल या कोई सा भी मतलब कपड़ा बिछा लेना है कि जो अपन जो भी मेडिकेट करो उसके ऊपर रख लो उसको, और अच्छे से एकदम मतलब साफ सफाई से हो काम अपना, ठीक है। तो आपको ऐसा कोई भी कपड़ा बिछा लेना है, किसी भी टेबल जिधर भी आप रख रहे हो, बस वो साफ़ होना चाहिए, ठीक है, जिससे आप थोड़ा उसका आँख वाँख पहुँच सको। और हाँ, आपके जिस बजीज को इन्फेक्शन हुआ है उसको आपको एकदम बिल्कुल ही अलग रखना है सब बजीज से ही। मैंने ले ली है अपनी बजीज, ये देखिए फीमेल बजीज है ये, इसकी आँख पे ऐसे साइड से पूरे बाल उड़ गए, ये उसके सिम्टम्स हैं आई इन्फेक्शन के, और ये आँख हल्की सी फूली हुई है तो फिर भी ठीक हो चुकी है, ये देखिए। तो अब मैं बताता हूँ कैसे करना है, पहले तो अपन को सिरिंज में वो ठंडा नॉर्मल करो वो पानी ले लेना है, और उसकी आँख पे धीरे से प्रेशर मार के मतलब धोना है अच्छे, एक बार दो बार, ऐसे उसके मतलब आँख पे डालते जाना धोते जाना, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, हल्की सी दिक्कत होगी बस, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी बजी इसको, मगर आप ऐसा डालिए कि उसके कान वान में ना जाए, इनके बालों के पीछे कान होते हैं उसमें ना जाए, हाँ ऐसे डालिए, देखिए आप। अब उसके बाद आपको रुई ले लेना है, उससे पोंछना है आपको, उसको सुखाना है आँख को अच्छे से, मतलब साफ करना है, एक बार कर लीजिए, फिर दूसरी बार रुई लेके फिर थोड़ा सा साफ कर दीजिए अच्छे से, जैसे मैं साफ कर रहा हूँ। आप इस तरीके से करोगे तो 3 दिन में तो ठीक हो ही जाएगी आपकी बजीज, ये देखिए आप आँख साफ हो गई है। अब ये जो सीप्लॉक्स डी अपन ने ली थी लिक्विड, ये आपको एक बूंद डालना है,
अब जब आप डाल दो तो आप उसके सर पे धीरे धीरे ऐसे ठोकिए ऐसे। इससे क्या होगा, ये देखिए आँखें अपनी बंद खोलना कर दी, इससे क्या होगा उसकी आँख में वो दवाई चली जाएगी और वो असर करेगी। नहीं तो ये क्या करती, अपनी मुंडी हिला के झटका के हटा देती है वो दवाई। ऐसे करिए, ऐसे दवाई चली जाएगी। अभी जो बची कुछ हुई दवाई थी ऊपर जो थी वो मैंने साफ़ कर दी है। अब मैं आपको एक बताना भूल गया था, अभी मैंने वो 2 रुपए वाला ट्यूब जो आँख में डालने वाला आता है वो भी लिया था, तो वो भी आपको लगाना है। वो आपको लेना है थोड़ा सा और आँख के ऊपर लगा देना है, जिससे वो फिर से कोई इन्फेक्शन उस पर अटैक करने की कोशिश ना करे और जो अपन ने अंदर दवाई डाली वो अच्छा काम करे। ऐसे आपको लगा देना है, उसको कुछ देर के लिए नहीं दिखेगा, बाद में सब नॉर्मल हो जाएगी। बस जी साहब की कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको साइड से ऐसे पोंछ देना है और उसको वापस अपने जिधर भी है उधर छोड़ देना, पिंजरे में या आपने जो भी सेपरेट कर रखा है जिसमें भी।